Hey guys, welcome back to my channel. तो जी आज है फास्ट नौराता और मैंने रखा है फास्ट पूजा वूजा भी मैंने सारी सब कुछ कर लिया है और घर का जो काम होते हैं वो भी मैंने कर लिए है और आज मैंने पहनी है साड़ी ये वाली। कैसी लग रही है बताना जरूर। और ये देखो कैसी है साड़ी और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं डेली साड़ी पहनूं कि मतलब सूट ही पहनूं। तो आज फर्स्ट था नौराता इस वजह से तो फिर मेरा साड़ी पहनने का ही मन था और मैंने चौकी यहाँ पर नहीं लगाई है, चौकी मैंने लगाई है नीचे और कल मैंने पूरी घर की साफ सफाई नीचे वाले की पूरी अच्छे से करवा दी थी पूरी टाइले वाइले पर मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। और कान में मैंने कुछ नहीं पहने सिंपल ही रखा, गले में भी नहीं पहना है मैंने। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ सिंपल आलू तरी वाले और रात को बनाई थी मैंने दाल वो भी रखी है। आइए मैं बना रही हूँ सिंपल आलू की सब्जी और यहाँ पर मसाला भी हो गया है मेरा। थोड़े से आलू को फोड़ लेती हूँ। पानी बोतल ला थोड़े कर देती हूँ पानी ताकि अच्छे से तरी वाले बन जाएंगे। ये थोड़े से बर्तन है मेरे को धोने हैं अभी चाय के, बाकी सारे बर्तन मैंने धो दिए बस यही है। और कर देती इसको डाल देते हैं, इसको होने देते हैं। आपको दिखा देती हूँ बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से है। ये कि पेड़ है मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी इस वाले पेड़ में पत्ते आ गए हैं बिल्कुल हरा हरा हो गया है पेड़। यही देखिए ये मैंने शिवलिंग में सुबह पूजा करी थी ना तो आप ही सोच लेंगे कि ये क्या है पीला पीला। तो ये है कुछ मैंने वो चढ़ाया था ना घी तो ये उसका है और बाकी अगरबत्ती लगाई थी मैंने उसके हैं। ये कितने अच्छे लग रहे छोटे शिवलिंग। और ये मुझे इस वाले ये वाली चादर बेड पूरा मतलब अच्छे से करना है, सारा फैलावड़ा हो रखा है क्योंकि अभी यहाँ पर लेटे हुए थे। और इस वाले को भी करना है जबकि मैंने सुबह मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था पूरा घर लेकिन फिर भी अब दोबारा से हो गया तो अब मैं इसको कर देती हूँ पहले सेट फिर चलेंगे नीचे फिर आपको दिखाएंगे। और मैंने बनाया था पराठा सुबह नाश्ते में तो मैंने आटा बचा दिया था दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा आटा बच गया था तो इसकी मैं रोटी बना लूँगी। तो जी फिर चलते बनाते हैं रोटी वोटी फिर आपको मिलते हैं बाद में। और जी कैसी लग रही है साड़ी। साड़ी में तो मेरा पेट तो दिख नहीं रहा है, वैसे तो मैं मोटी तो हूँ कोई बात नहीं साड़ी तो पहननी पड़ेगी क्योंकि साड़ी पहनना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं आपको आधे घंटे बाद। तो गाइस मैं आ गई हूँ नीचे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये रही मेरी माता जी और ये मैंने छोटी सी चौकी लगाई है। ये रही माता जी कितनी सुंदर लग रही है ना। और ये दिया है छोटी सी डेकोरेशन, बाकी मैंने और ज़्यादा कुछ करा नहीं है सिंपल ही धरा है मैंने। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर प्रसाद बनाने के लिए, थोड़ा सा माता रानी के लिए प्रसाद बनाऊँगी ठीक है जी। तो अभी दर्शन कर लीजिए माता रानी के और माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें जी। मैं आ गई हूँ नीचे देख सकते हैं। और ये ना ये मैंने सारी टाइलें पूरी सफा करवाई थी देखो कितनी चमक रही है दिखा देते हुए देखो कितनी चमक रही है टाइलें सारी है ना। तो जी गाइस अभी हो चुके शाम, मैं अभी बना रही हूँ सूखे वाले आलू। दोपहर को भी मैंने आलू बनाए थे तो वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आए थे तो इस वजह से फिर बच्चों ने बोला कि भाई अभी दोबारा भी आलू ही बना लो। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं आलू और मैंने भूख के लिए बनाई है खीर, थोड़ी सी बनाई ज़्यादा नहीं बनाई, अभी भूख लगाऊंगी
ऊपर बनाए हैं मैंने चावल, फ्राइड राइस बनाए हैं मैंने, देखिए। ठीक है जी, और ये मुझे आटा गूंद रहा है। पहले मैं भोग लगा जाती हूँ और मैं आपको दिखा दूँ कि अभी हो गई है शाम, ये देखो रात हो गई है। ठीक है जी, तो ये रही कंडी, थोड़ी सी कंडी कर लेती हूँ गैस पर ही भोग के लिए। पहले इसको उतार कर यहाँ पर रखूँगी, ठीक है ना, और फिर माता रानी की मेरा नहीं खीर खीर। तो गाइज मैं प्रसाद चढ़ा के भोग लगा कर मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। तो जी और भी आप देख सकते हैं, बस मुझे ये सारा समेटना है और फिर बस उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और जी मैं सोच रही हूँ अब ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर ही एंड, और अब आपसे मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता की। और हाँ, ये देखो मैंने मेहंदी लगाई थी, अभी कलर आया नहीं है, आएगा इस पर भी। ठीक है जी, तो आप मिलेंगे कल।